तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार जो भी अब प्रोग्रेस थी सॉर्टिंग विजुलाइजेशन की, वो ये थी कि हम एक रैंडम एरे जनरेट करते हैं एंड उसके बाद हम ड्रॉप डाउन से एक बबल सॉर्ट अगर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ टाइम लेता है, कुछ से टाइप उसके बाद ये खुद पूरी पूरी एरे खुद ही सॉर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें एक कुछ इशूज़ हैं, एनिमेशन रिलेटेड इशूज़। लाइक हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, जो हमने एग्जैक्ट प्रोजेक्ट बनाना था उसमें ये है कि हम एक रैंडम एरे जनरेट करेंगे एंड उसके बाद ड्रॉप डाउन से एक मेथड सेलेक्ट करेंगे एंड वो एनिमेशन के थ्रू बार बार, जैसे ये एनिमेशन शॉर्टिंग के लिए चल रहा है वो चलाना है एंड एट द एंड जब भी ये पूरा का पूरा एरे सॉर्ट होगा तो ये सॉर्टेड फॉर्म में दिखना चाहिए एंड पूरा का पूरा सॉर्टेड के लिए ग्रीन कलर हो जाना चाहिए सबका चेंज होके। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम थोड़ा कुछ कोड में चेंज करेंगे, तो वो कोड चेंज देखने के लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो ये मेथड है जिसके अंदर से जो भी एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है एंड जो भी लॉजिक लिखा हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो एक सेकंड लेता है एंड पूरे के पूरे एरे को शॉर्ट कर देता है एंड बैकग्राउंड कलर येलो कर देता है, वो उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म करी फॉर लूप लगा के एंड सेट उसको 1 मिनट के लिए सेट टाइम इंटरवल लगाया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जब ये इफ़ कंडीशन ख़त्म होती है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो बार एलिमेंट है इसके अंदर इसका बैकग्राउंड हमें ब्लू करना होगा। तो हमें क्या करेंगे, बार वन और बार टू इसके स्टाइल में जाके हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। सबसे पहले बार वन डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ओके, अब हम इसको सेट करेंगे ब्लू। ओके, एंड सेम चीज़ हम कॉपी करके अगले लाइन में पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे बार टू हो जाएगा, बार टू। ओके, इतना करने के बाद हमें ये जो टाइम है वो जो 1000 हमने हार्ड कोडेड करके रखा है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करने के लिए आई से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको सेव करेंगे कितना, 150। ठीक है, कोड को सेव करेंगे। यहाँ पे हमें वन नहीं आई चाहिए होगा, जो फॉर लूप लगा होगा इस आई पे डिपेंड करेगा। एंड इसके साथ साथ ये जो हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू चेंज किया है इस पर भी एक साइड सेट टाइम इंटरवल लगाएंगे ताकि ये जो ब्लू कलर है वो अचानक से चेंज ना हो, कुछ टाइम लेके चेंज हो। हम दो बार इसको कॉल बैक बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस। इसको भी टाइम हम देंगे, जो टाइम हम देने वाले हैं वो भी हम 150 देने वाले हैं बेसिकली। ओके, और ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड कलर चेंज करने का ब्लू का सीन है, इसको हम यहाँ से हटा के इसके अंदर डाल देते हैं। कंट्रोल वी ऑल्ट शिफ्ट एफ के लिए मैं कोड सेव करता हूँ। एक बार ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं क्या चेंज हुआ है। कोड को रिफ्रेश कर, बैकग्राउंड कलर ब्लू करते हैं। ओके, सो अभी क्या है, जो हमारा एनिमेशन परफॉर्म करना था वो अभी परफॉर्म होने लगा सेट टाइम इंटरवल की वजह से। जो हमने चेंज किया पहले 1000 था, अभी नॉर्मलाइज हो गया। तो इससे क्या होगा कि ये एक तो कलर चेंज कर रहा है एंड जहाँ पे एनिमेशन परफॉर्म होनी है लाइक स्वैप होना है वहाँ पे कलर ये रेड करता है। अभी आप देख सकते हैं जैसे रेड हो रहा है, तो ये कलर रेड करता है एंड बाकी वापस से उसे ब्लू करता है जब भी वो स्वैप हो जाते हैं उसके बाद। तो अब हमें क्या करना है कि एक बार अगर ये पूरी शॉर्टिंग परफॉर्म हो जाती है तो पूरे का पूरा जो बार्स हैं उसके कलर ब्लू ग्रीन कर देने चाहिए। मैं इसके टेस्ट के लिए मैं एरे की साइज़ थोड़ी छोटी करता हूँ, सॉरी दिस वन इज़ नॉट आवर फाइल। ओके, तो जो हम एरे बनाते हैं रैंडम एरे वो हम यहाँ से बनाते हैं। हम इसकी जगह 30 की जगह मैं 6 करता हूँ एंड कोड को सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, एक नई एरे बनाऊँ, तो हम देख सकते हैं हमारे 6 डिजिट की एक एरे बनी है। मैं सॉर्ट करता हूँ उसको बबल सॉर्ट एंड जैसे ये सॉर्ट हो जाए पूरा, जैसे अभी ये इस फॉर्म में सॉर्ट हो चुका है, जब ये सॉर्ट हो जाए तो ये इसका बैकग्राउंड कलर सारा चेंज होके एंड वो ग्रीन हो जाना चाहिए। लूप इस वाले इफ से बाहर निकलेंगे एंड हम इस लूप से भी बाहर निकलेंगे। इस लूप से बाहर निकल के यहाँ पे हम एक सेट टाइम इंटरवल लगाएंगे। जैसे ये लूप ख़त्म हो गया, मतलब वो जितना भी एरे था वो पूरा शॉर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस पर एक सेट टाइम इंटरवल लगाएंगे, सेट टाइम आउट या सेट टाइम आउट कॉल बैक बनाएंगे एंड इसमें जो टाइम देने वाले हैं वो टाइम जो होने वाला है वो होने वाला है एनिमेशन जो हमने जो हमारा एग्जैक्ट एनिमेशन आ रहा है उसकी लेंथ इंटू 150 कर देते हैं अभी के लिए। 150 प्लस 150 और इट्स ओके, इतना ही सही है। ठीक, एक फॉर लूप चलने वाला और ये जे पे चलने वाला है और ये जो चलने वाला है लूप ये इस पे चलने वाला है, जो जितने भी एलिमेंट होंगे उन पे, क्योंकि हमें उनका ही कलर चेंज करना है।
तो मैं सबसे पहले इसके लेंथ तक इसको लूप को चलाऊंगा, और इसके अंदर हमें एक सेट टाइम आउट इसके अंदर भी चलाना होगा, और जो इसका टाइम डिपेंडेंसी होगी वो होगी जे इंटू 150, जैसा हमने इसके लिए किया था आई इंटू 150, उस सेम वही यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड कलर जो चेंज होगा वो उसका सेम प्रोसेस होने वाला है, बार एलिमेंट और यहाँ पे जे पास कर देंगे, उस वाले इंडेक्स कोई बार को पिक करना है, एंड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड कलर, एंड इसको कर देना आप ग्रीन। ओके मैं कोड को सेव करता हूँ, एंड आई थिंक हमें चेक करना चाहिए ये चलेगा। कोड को सेव किया एंड ब्राउज़र रिफ्रेश, एक नया बनाते हैं 6 डिजिट का ही मैं बनाता हूँ, एंड इसको सॉर्ट करते हैं बबल सॉर्ट, ये सॉर्ट हुआ या जैसे ही पूरा सॉर्ट हुआ ये पूरे के पूरे ग्रीन करते चला गया वापस से अपने जो एरे हमने बनाया रैंडम एरे उसके साइज थोड़ी सी बड़ा करता हूँ, लाइक मैं 15 करता हूँ, एंड कोड को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश, एक नया एरे जनरेट करते हैं जो 15 साइज का होने वाला है। मैं वापस से बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ, अब ये बबल सॉर्ट पूरा चलेगा, पूरे पूरे 15 एरे जो एलिमेंट्स हैं इस एरे में वो सॉर्ट होंगे पहले, एंड उसके बाद एक लास्ट में जैसे ही सॉर्ट होगा वो पूरे पूरे एरे को ग्रीन कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे ही पूरा सॉर्ट हुआ इसने पूरे के पूरे एरे को ग्रीन कर दिया है। तो बबल सॉर्ट हमने पूरा का पूरा फ्लो देख लिया, अब हम इस इधर जाके देख प्रीवियस जो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट है हमारा जो भी बनाना है उसमें हम देख सकते हैं, पहले तो हम यूज़र से कोई से भी एंट्री ले सकते हैं, एंड यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन इन्फो टैग बोल सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो भी यूज़र इनपुट लेगा उससे हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ले रहे हैं लाइक 10, 20, और वो केवल इंटीजर दे सकता है। तो पहले ये इंटीग्रेट करते हैं, लाइक मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूं एंड यहाँ पे 30, 15, 17, ऐसे अगर वो देता जाए तो हमारा एक एरे बनते जाएगा। अब इसको भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, मैं जैसे ही बबल सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सॉर्ट होएगा। ओके ठीक है, तो हमें ये भी इंटीग्रेट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ, ये इंटीग्रेट करते हैं, इसमें इनपुट टैग बनाते हैं, जो भी नीडेड है वो इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी के इनपुट फील्ड जो हमें इंटीग्रेट करना है वो इस कंट्रोल्स में होने वाला है। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले स्टाइलिंग हमें ना करनी पड़े उसके लिए हमने सारी की सारी जो CSS है वो इस फाइल में app.css में visual.css में ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखी है। तो हमें बस इस इनपुट टैग को इम्प्लीमेंट करना है, और ये क्लासेस हम डायरेक्टली visualizer.css से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने क्या किया है कि एक div बनाया है, इसके अंदर एक इनपुट टैग है, इनपुट टैग पे अभी हमने कोई ऑन चेंज और वैल्यू सेट नहीं करी है, मतलब टू वे बाइंडिंग नहीं करी है, एंड इसके साथ साथ ये आई टैग है, एंड जो होवर करके हमें इन्फॉर्मेशन दिखानी प्लीज़ प्रोवाइड योर एरे बाय कॉमा सेपरेटेड, तो इसकी वजह से हमारा जो इनपुट टैग है वो दिखने लगा। ठीक है, अभी यूज़र इसमें कुछ इनपुट इसमें कुछ इनपुट तो कर सकता है, बट उसकी बेसिस पे हमने कुछ मैनेज नहीं किया, और इस पर होवर करके ये CSS इंप्लीमेंट करिए लाइक डिस्प्ले ब्लॉक एंड डिस्प्ले फ्लेक्स या नल ऐसा। तो अभी क्या करना है कि इसका जो यूज़र इंटर कर रहा है उसके बेसिस पे हमें नीचे एरे बनानी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको स्टोर करता हूँ एक एरे में, एंड ऑन चेंज दोनों फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। मैं इस पे चलता हूँ एंड अपने app.js पे जाएंगे, हमें दो चीज़ बनानी पड़ेगी। सबसे पहले एक स्टेट बनेगा const यूज़र इनपुट के नाम से बनाते हैं यूज़र इनपुट एरे। ओके सेम इसको सेट फंक्शन भी बना देते हैं, सेट यूज़र, और ये इनिशियली जो होने वाला है यूज स्टेट, ये एक एम्प्टी एरे होने वाला है। तो इसको मैं कुछ भी नहीं देता हूँ स्टार्टिंग में, छोड़ देते हैं इसे खाली, कॉपी करते हैं, एंड हमें ये दोनों चीज़ें पास करनी पड़ेंगी उस एरे को, लाइक जो कंट्रोलर डॉट जे एस है उसको एज अ प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जैसे ये पास किया वैसे ये दोनों पास करते हैं, एंड इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस यूज़र इनपुट एरे, ये हो जाएगा, एंड सेकंड वाला सेट यूज़र एज इनपुट, एंड इसको कर्ली ब्रेसेस में करते हैं। ओके फॉर्मेट करता हूँ, कोड को सेव करता हूँ, और मैं इन दोनों को इधर गेट भी करना पड़ेगा, मैं इधर जाता हूँ, एंड हमने
स्प्रेड कर रखा है, तो दोनों को यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यूज़र इनपुट एरे जो है वो मैं इसमें एज अ वैल्यू यूज़ करूँगा, वैल्यू, एंड सेव किया। एंड ऑन चेंज पे मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू सेट करा दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ई पास करते हैं, कॉल बैक बनाते हैं पहले इसको। ओके, सेट यूज़र इनपुट एरे एंड इसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और डॉट वैल्यू। ओके, कोड को अगर मैं सेव करूँ, सबसे पहले मुझे ये सारी वैल्यूज़ गेट करने के लिए एप डॉट जे एस में एक ये जो यूज़र इनपुट मिला इस पर इसकी डिपेंडेंसी के हेल्प लेके यूज़ इफेक्ट यूज़ करके मुझे गेट करना होगा कि यूज़र ने भी क्या एंटर किया है। तो मैं सबसे पहले यूज़ इफेक्ट बनाता हूँ एंड उसके सिंटेक्स सॉरी यहाँ कॉल बैक बनाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस, और डिपेंडेंसी में मैं डाल दूंगा कि यूज़र इनपुट एरे, या इसमें अगर यूज़र ने कुछ भी चेंज किया तो कॉमा सेपरेटेड चाहिए। और सबसे पहले मैं उस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को एक एरे में डालता हूँ, लाइक उसको स्प्लिट का यूज़ करके मैं एक एरे का फॉर्म बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट या कॉन्स्ट यूज़र इनपुट, ये अब क्या करेंगे, यूज़र इनपुट ने जो कुछ एरे में स्टेट में जो कुछ भी डाला है, सॉरी यूज़र इनपुट एरे में जो कुछ भी डाला उसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट किससे, कॉमा से, क्योंकि हम यूज़र से एक्सपेक्ट करेंगे वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देगा एंड वो हमें कॉमा से स्प्लिट करके दे देगा। अगर मैं इसको लॉक करा के आपको दिखाऊँ, यूज़र इनपुट यूज़र इनपुट, या एक कमेंट डाल देते हैं दिस इज़ यूज़र इनपुट, या कोड को सेव करते हैं। अगर मैं चल के आपको लॉक में दिखाऊं तो ओके दिस वन इज गिव द स्प्लिट। ओके, सो हम क्या करेंगे, इनिशियली इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं, दैट्स वाई या अब ठीक है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं लॉग में देखता हूँ सबसे पहले, क्लियर करते हैं। एंड अभी के लिए हमें एक एम्प्टी एरे में एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें कोई सी वैल्यू डालते हैं, कॉमा करें, दूसरी वैल्यू डालें, तीसरी वैल्यू डालिए एंड चौथी वैल्यू। हमने चार वैल्यू यहाँ पर डाली है, पांच वैल्यू डाल देते हैं, पांच वैल्यू डाली है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया कि एक एरे के फॉर्म में पांच अलग अलग वैल्यूज़ दे दी। अब हमें बस क्या करना है कि ये वैल्यूज़ इस जो उस एरे उस वाले एरे में डालना जिसकी वजह से ये एरे बन रहा है, ये अभी जो बार्स बन रहे हैं उसमें इस बटन पे क्लिक करके एक रैंडम एरेज बन रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि ये एरे अब इसके हेल्प से बने। हमें क्या करना, बस ये एरे उठा के इस एरे जो प्रीवियस एरे थे जिसकी वजह से डेटा एग्जैक्टली बार्स बन रहे थे वो ये एरे इसमें सेट करा देना। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली सेट एरे में हम यूज़र इनपुट डाल देंगे, यूज़र इनपुट, या सेफर साइड के लिए हम ट्रिप स्प्रेड कर देते हैं। ओके, मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ एंड रिफ्रेश करते हैं, अब मैं अगर यहाँ पे करें 23 लिखा, हम इसको मैं क्लोज करता हूँ, हम देख सकते हैं 23 का एक एरे बन गए, एरे का बार्क बन गया। अब मैं 56 करता हूँ, 56 करते हैं पहले, 32 करया, 120 किया, 300 किया। ओके, तो ये बार बनते जा रहे, बस इसमें बट दो इशूज़ हैं, लाइक कॉमा किया तो सबसे पहले जैसे ही कॉमा किया यहाँ पे एक वैल्यू बन गई, एंड अगर वो 1000 दे दिया तो ये बार पता नहीं काफ़ी ऊपर चला गया। हमें इसकी रेंज फिक्स करनी होगी, हम केवल 500 वैल्यू ले सकते हैं, लाइक अगर मैं 500 दूँ तो ये बार यहाँ तक, इससे अगर बड़ी वैल्यू दे रहा है तो वो बार बने ही ना, या फिर केवल 500 तक का बार बने, बाकी की बार ना बने, ये लिमिट लगानी होगी। एंड इसके अलावा हमें एक और चीज़, कॉमा अगर मैं ABCD लिखूँ तो ये लिख के यहाँ पे लिख के आ रहा है ABCD, ये हमें नहीं चाहिए, यूज़र कुछ भी इनपुट नहीं कर सकता है, केवल नंबर कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम फिल्टर करते हैं। तो हमें जो फिल्टर करना है वो हमें यूज़र इनपुट करना है एग्जैक्टली जो एरे में मिला है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक और वेरिएबल बनाते हैं, फिल्टर्ड इनपुट इसका नाम रख देते हैं, इनपुट। ओके, सो हमें क्या करना है, यूज़र इनपुट डॉट यूज़र इनपुट,
या इज इनपुट डॉट फिल्टर, इसमें फिल्टर लगाएंगे एंड यहाँ पे हम आइटम पास करते हैं, इसको कॉल बैक बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो यूज़र ने इंटर किया है वो नॉट ए नंबर नहीं होना चाहिए। तो यूज एक मेथड होता है इज़ नॉट, इज़ एन ए एन, ओके, ये इसके अंदर हम पास कर देंगे आइटम, जो भी यूज़र ने इंटर किया वो नॉट अ नंबर नहीं होना चाहिए, लाइक वो नंबर ही होना चाहिए, पहला चीज़ हमने ये चेक किया है। इसके साथ साथ हमें ये चेक करना होगा एंड एंड कि जो नंबर है वो इंटीजर है या नहीं, ऐसा। तो इज़ इंटीजर में हम पास कर देंगे आइटम, ओके। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो हमें कुछ जो डेटा होगा वो फिल्टर आउट होके मिल जाएगा। अगर मैं फिल्टर इनपुट को सेव करके देखना चाहें तो हम नेटवर्क टैब में देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या मिलता है। ओके, सो कंसोल एंड अभी क्लियर करते हैं। मैं सबसे पहले यूज़र का इनपुट करता हूँ 1 2 3, ओके, एंड कॉमा 5 4 3 एंड 6 4 8। ओके, तो अभी हमें एक एम्प्टी एरे मिल रही जो कि नहीं मिलना चाहिए। लेट मी सी, तो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे करी, ये जो इज इंटीजर होता है ये मेथड मिलता है नंबर के अंदर से, नंबर डॉट इज इंटीजर, और ये जो इंटीजर हमें मिला है इसे हमें पार्स कर देते हैं, पार्स फ्लोट, सॉरी इसको डिलीट करते हैं, पार्स फ्लोट एंड पैरेंथिसिस में हम आइटम पास करते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं, कोड को सेव करते हैं। अब वापस चल के अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू थी वो हमें जितने भी यूज़र इनपुट कर रहा है वो मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी ऐड करूँ तो हम देख सकते हैं कि फ़िल्टर आउट कर दिया, इसने इसको काउंट ही नहीं किया एरे बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर हम ये वैल्यू जो फ़िल्टर आउट वैल्यू इसको अगर डेटा में पास करें तो भी हम पास कर सकते हैं। ओके, तो मैं अगर जाऊँ यहाँ पर एंड ये फिल्टर्ड इनपुट जो है इसको यहाँ पे सेव करा के सेट कराते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जाएँ और कोड को वापस से रीसेट करते हैं, अगर मैं फिर से कोई वैल्यू बनाता हूँ एंड इसको हटाते हैं। ठीक है, अभी 234 की हाइट की एक एलिमेंट बना एंड मैंने एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाला जिसका एरे नहीं बना क्योंकि वो फिल्टर आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं 1 2, ठीक है, कॉमा 500 500 का बना। और एक प्रॉब्लम जो अपने साथ है वो अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है तो इसकी रेंज काफ़ी ऊपर चली जा रही है, तो हम क्या करेंगे एक और फिल्टर आउट लगाएंगे कि अगर वैल्यू 500 से बड़ी है तो वो पिक ना करें। हम यहाँ पे मैप लगाएंगे डॉट मैप एंड आइटम टू, इसको आइटम टू करते हैं, आइटम से भी चलेगा, इस आइटम की रेंज बस इस फिल्टर आउट के अंदर होती है, तो हम आइटम पिक कर सकते हैं एंड इसको कॉल बैक बनाते हैं, एरो फंक्शन, सॉरी नॉट कॉल बैक, एरो फंक्शन। और यहाँ पे हम बस चेक करेंगे कि नंबर जो आ रहा है वो जो आइटम आ रहा है वो नंबर है एंड वो मस्ट बी लेस देन या इक्वल्स टू 500 के होना चाहिए। एंड अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसके अंदर आइटम पास कर देंगे ताकि जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो एक नंबर हो। अगर कोड को सेव करें एंड अब हम फिल्टर आउट करके इस कोड को रिफ्रेश करते हैं एंड अगर मैं अब 500 से ज़्यादा की वैल्यू दे रहा हूँ तो वो अपने आप को वहीं पे रोक ले रहा है एंड उससे ज़्यादा की वैल्यू वो पिक नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं अगर 130 किया कॉमा 403 किया, ओके, 500 तक भी लेगा, ओके, अदरवाइज उससे ज़्यादा अगर हम कितनी भी वैल्यू दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहीं पर रुक गया। ठीक है, तो हमने इनपुट टैग तो बना लिया कि जैसा हमें यूज़र से इनपुट लेना है केवल वही ले पा रहे हैं एंड इसके अलावा हम कुछ भी यूज़र देगा वो हम पिक नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है कि हमें एक ऑप्शन और ऐड करना है मर्ज सॉर्ट का, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।